गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को लेकर के चल रहे हैं। इसमें हम जो है टेंस से संबंधित रूल आप लोगों को बता रहे हैं, जिसमें हमारा यह दूसरा रूल है। इस रूल में आप लोगों को हम पीछे विस्तार से पढ़ाए थे, तो उस तरह से जो है इसमें पढ़ाने में बहुत समय लगेगा, जिस वजह से हम लोगों को आप जो है चार्ट के माध्यम से बता दे रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियोस को देखने से पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, साथ में आप लोग जो है घंटी के निशान को भी दबा दीजिए। इसमें जो है आप लोग देख रहे हैं कि रूल नंबर हम सेकेंड लिखे हुए हैं। इसमें जो भी जितने भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में टेंस बदलने के लिए आते हैं वो हम सभी लिखे हुए हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट का जो है इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और जो है पास्ट है, पास्ट का पास्ट है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और फ्यूचर में फ्यूचर है, फ्यूचर का इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से बदलते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को अगर इंपोर्टेड स्पीच में केवल प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो इसको आप सीधे जो है पास्ट टेंस में बदल दीजिए। यानी अगर इंपोर्टेड स्पीच में कामा के अंदर जो है प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो उसको आप सीधे पास्ट टेंस में बदलेंगे। इसके बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको आप जो है पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। इसके बाद अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसको आप जो है पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। इसके बाद अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको आप पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। तो यह आप जो है आयो के माध्यम से देख रहे हैं कि जितने भी प्रेजेंट के टेंस हैं सभी जो है सीरियलिटी से जो है पास्ट टेंस में बदल जा रहे हैं। तो यह आपका हो गया प्रेजेंट का। अब हम आ रहे हैं दूसरे नंबर पर पास्ट में। अगर मान लीजिए कि आपको रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस का न दे करके पास्ट टेंस का दे दे, तो अगर केवल पास्ट टेंस आ रहा है तो यहाँ पास्ट टेंस को हम लिखेंगे नो चेंज, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब दूसरे नंबर पर हम पहुँच जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पास। अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आया है तो हम यहाँ जो है आगे एक टेंस को छोड़ देंगे और इसके आगे पहुँच जाएंगे हम परफेक्ट के यहाँ। यानी अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रिपोर्टेड स्पीच में आ रहा है तो हम सहायक क्रिया जो है पास्ट परफेक्ट से ले लेंगे। मान लीजिए अगर आपको जो है पास्ट इंडेफिनिट का न दे, पास्ट कंटिन्यूअस का दे रहा है, तो यह क्रिया आप फिर यही करेंगे, यानी पास्ट कंटिन्यूअस को आगे जो टेंस है परफेक्ट वाला इसको आप छोड़ देंगे और इसको आप जो है बदलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यानी आपके जो शुरू के दो टेंस हैं प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, यह जो है अपने आगे वाले टेंस को छोड़ते हुए बदल रहे हैं। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो आपने जो यह दोनों टेंसों को जो है दो टेंसों में आगे वाले में बदल दिया। अगर मान लीजिए आपको जो है इनमें से नो टेंस दे, आपको परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से आ जाए, तो यह दोनों जो है टेंस जो है आपके अपरिवर्तित हो जाएंगे। यानी इसको हम लिखेंगे नो चेंज, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
अब यह आपका जो है पास्ट वाला भी खत्म। फ्यूचर में क्या करना है आपको, फ्यूचर में सहायक क्रिया होती है विल और इसमें होता है सेल्फ। तो आप जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय विल को आप जो है वुड में बदल देंगे और सेल्फ को जो है शुड में बदल देंगे। इसके बाद इसमें जो भी सहायक क्रिया है जैसे इंडेफिनिट में यही सहायक क्रिया होगी, यानी विल या सेल्फ। और इसको भी हम जो है वुड और सेल्फ शुड में बदल देंगे। इसके बाद कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया है आपकी विल या सेल्फ प्लस बी होती है। तो आपको कुछ करना नहीं है कि सहायक क्रिया को इसी तरह से रहने दीजिए, यानी यहां हो जाएगा आपका वुड या शुड प्लस बी। तो हम यह जो है रूल आपको आगे भी बता चुके हैं, पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा चुके हैं। अब आपको हम जो है एग्जांपल के माध्यम से अब बता दे रहे हैं। जैसे देखिए से लिखा है आपका राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में दे लिव इन ए विलेज इन्वर्टेड कामा है। अब देखिए यहां पर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है यह जो है पास्ट टेंस में है और जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है यह आपका जो है प्रेजेंट टेंस में है। अब हम देखेंगे कि यह प्रेजेंट के किस टेंस में है, तो यह प्रेजेंट के जो है इंडेफिनिट टेंस में है। तो हम आप लोगों को अभी अभी रूल में बताया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आ रहा है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे। जैसे देखिए यहां लिखा है सेट, तो सेट के बाद आप देख लिया लिखेंगे राम टोल्ड मी, कंजक्शन लगा देंगे दैट। यहां आपका दे जो है थर्ड पर्सन का है, हम पर्सन का रूल जो है पहले ही पढ़ा चुके हैं, थर्ड पर्सन का नो चिन्ह, यानी यहाँ हो जाएगा देगा दे। अब हम टेंस के पास आएंगे, यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस दिया हुआ है, तो इसको हम जो है पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में बदल देंगे, यानी लिव का हो जाएगा लिव, दे लिव्ड इन ए विलेज। और जैसे देख लीजिए सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा में आई है नॉट ईटेन फूड इन्वर्टेड कामा में। यहां देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस आया है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव है, तो इसको जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव में बदल देंगे, यानी लिखेंगे सी सेड दैट। यहाँ आई आपका फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यहाँ सी है यहाँ हो जाएगा सी, यहाँ टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव का हो जाएगा हैव, दे हैव नॉट ईटन फूड। अब इसके बाद जो है हम और आप लोगों को एग्जांपल पास्ट का भी बता दे रहे हैं। तो जैसे देखिए माई फादर
said to me, comma inverted comma में you did not go to market inverted comma में। यहाँ जो है हम आपको बताए हैं कि यहाँ जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और यहाँ हमारा रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है या पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है। तो हम जो है पहले ही बताए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम इसके आगे वाले टेंस को छोड़ देंगे यानी कंटिन्यूअस को हम छोड़ देंगे तो जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको हम बदल देंगे। इसे लिखेंगे माय फादर टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट gone to market। अब देखिए यहां पहले ही बताया है आप लोगों को कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम इसके आगे वाले टेंस को जब छोड़ेंगे तो पास्ट परफेक्ट से सहायक क्रिया लाएंगे। यहां सहायक क्रिया हमारे डिड की जगह हुई है और यहां नॉट अपने जगह पर है लेकिन पास्ट परफेक्ट में हम रूल होता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ हो गया हमारा गो का गान गान टू मार्केट। अब इसके बाद जो है हम आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग जो है उसको रिवाइज करिएगा और इसके बाद जो है जो भी दिक्कत होगी परेशानी होगी वो आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप लोगों को हम होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप लोग जो है रिवाइज करिएगा और लास्ट में हम पूरा एक बार कह रहे हैं कि आप लोग जो है वीडियोज को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करना जो है न भूलिएगा।